चेक कर लेते हैं बेबी कितना बड़ा हो गया इसका। ओहो यार ये क्या यार, एक बेबी तो इसका एक्सपायर हुआ है पता नहीं कुछ ऐसा लगा। मैंने कहा यार अंडा दिया हुआ, तो देखो यार ये वाकई में यहाँ पे एक अंडा आया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों आज मैं ऊपर आया हूँ तो यार बारिश का मौसम बना हुआ है, इतना खूबसूरत मौसम हुआ है, पूरी रात बारिश लगी रही है। तो यार मैंने एक तो अच्छा कर दिया था, ये रात को मैंने तरपाल इसके ऊपर लगा लिया था, जो तरपाल लेके आए थे हम लोग ना कल रात को, तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया था। बारिश से हमारे परिंदे बच गए और खुश बैठे हैं, पूरी रात मतलब बारिश लगी रही है बहुत तेज़ ना, तो हमारे परिंदे फुल रिलैक्स होकर बैठे हुए, मतलब फुल अच्छा हो गया इनके लिए ना, और नीचे बारिश का एक कतरा अंदर तक नहीं गया, देखें कितना खुश है वे सारे सारे। तो चलो ये तो बहुत अच्छा हो गया। तो बाकी ये कि डक्स हमारी नहाती रही हैं, फुल इंजॉय किया डक्स ने आज हमारी ने, नहाती रही हैं बारिश के अंदर। तो बाकी मुर्गियों को खोलते हैं, मुर्गियों को चेक करते हैं, दाना वाना डालते हैं। चलो भाई आज जो आप सारी की सारी, चलो चलो ये बारिश से सारा का सारा शापर गीला हुआ है, चलो आ जाओ आप भी। ये मैंने तीन मुर्गियों को यार ऊपर रखा था, ये थोड़ी सी ना मतलब इनकी आंखें ख़राब हुई हुई हैं, मतलब ना मैंने इनको ट्यूब व्यूब लगा के तो ऊपर रखा था, देख रहे हैं आप आँख ख़राब हुई हुई है इस मुर्गी की ना, तो मैंने कहा चलो इसको अकेला कर देते हैं वरना इनकी बीमारी फटाफट फैल जाती है दूसरी मुर्गियों में ना, तो इसको ही मैंने अलग कर दिया। और एक और मुर्गी है ये वाली, इसकी तो खैर दोनों आँखें ठीक हो गई हैं, चलो ये ठीक हो गई है, चलो तीनों मुर्गियों को छोड़ दिया, ये वाली मुर्गियों को भी छोड़ देते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह सही हो गया, सारे आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। छत साफ सुथरी हो गई है हमारी ना, साफ सुथरी छत हो गई है, तो अब ये देखना कैसा गंद मचा के सारी गंदी कर देनी है इन्होंने। इनको दाना वाना डालते हैं, भूख लगी है इन सबको ना, तो इनका ये पानी वानी चेंज करते हैं, पानी फेंक देते हैं इधर, इनका पानी ये जो है ना तो मट्टी में फेंक देते हैं। ये पानी भर लेता हूँ मैं यहाँ से साफ सुथरा ताज़ा पानी, ताज़ा पानी भर के इनको ताज़ा पानी देते हैं, और मेडिसिन भी इसमें मिक्स करनी है मुर्गियों की ना। पानी तो मैंने इनका रख दिया, अब दाना वाना लेके आते हैं, दाना इनका अंदर रखा हुआ है तो दाना इनको देता हूँ। तो यार दाना मैं इनका भर लिया, अब इनको देते हैं, यार बेचारी भूखे हमारे हो रही हैं तंग ना। चलो आ जाओ आ जाओ, चलो इधर आ जाओ, ये आ गया आपका दाना, आ जाओ चलो दाना खा लो आप लोग, चलो आ जाओ। और वो वहाँ पे खेलने लगी हैं डॉक्टर साहब, आप लोग खा लो, ये रखा है मैंने दाना। तो दोस्तों आज हमारे सेटअप पे एक गुड न्यूज़ आई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो अभी इनको दाना वाना डाल दिया मैंने, तो मैं आपको बताता हूँ क्या गुड न्यूज़ है हमारे सेटअप के ऊपर ना। तो दोस्तों जब मैं इधर आया ना, तो यार मुझे ना यहाँ पे पता नहीं कुछ ऐसा लगा, मैंने कहा यार अंडा दिया हुआ, तो देखो यार ये वाकई में यहाँ पे एक अंडा आया हुआ है। तो यार मुझे बहुत हैरानगी हो रही है उनके, ये किसका अंडा हो सकता है यार, उनके ये हमारी तो मुर्गियाँ भी हैं छोटी, तो ये तो मुश्किल है अंडा दे सकती है, उनके इतना बड़ा साइज़ है संडे का मछला, ये देखें काफ़ी बड़ा साइज़ है, तो ये मुर्गियाँ तो छोटी हैं, तो मुझे क्यों ऐसा लग रहा है ये डक्स ने हमारा अंडा दिया है, मुझे लग रहा है डक्स ने दिया शायद ये अंडा। तो यार मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि डक्स ने पहला अंडा दे दिया हमारे सेटअप के ऊपर, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो यार इसको इधर रखते हैं अभी, और यार मैंने कबूतरों को खोला ही नहीं, कब वो पिजन को सारे के सारे पिजन अंदर ही बैठे हुए बेचारे, दूर देख रहे हैं कब दाना पानी देगा हमें, तो यार इनको भी खोल देते हैं। चलो आ जाओ आप भी बाहर आ जाओ, आ जाओ राजा रानी आ जाओ आप भी बाहर, आप भी आ जाओ लकी, चलो आ जाओ आप भी, चलो आ जाओ लकी पिजन, आ जाओ आ जाओ आ जाओ बाहर आ जाओ, आपके बेबी भी चेक करने हैं कितने बड़े हो गए। यार मैं वेट कर रहा था कि ये फीमेल बाहर आए, तो मैं इसके ना बेबी चेक करूं बेबी कितने बड़े हो चुके हैं, तो यार ये फाइनली बाहर आ चुकी है, तो यार अब चेक कर लेते हैं बेबी कितना बड़ा हो गया इसका। ओहो यार ये क्या यार, एक बेबी तो इसका एक्सपायर हुआ है, एक तो मर चुका है यार इसका बेबी, तो बैड न्यूज़ मिल गई यार, ये तो एक गुड न्यूज़ मिली है और एक बैड न्यूज़ मिल गई यार, तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार, इतनी मुश्किलों से इसके बेबी हमने मतलब देखे देखने को मिले और अब ये एक्सपायर हुआ है एक इसमें ना। ओहो तो यार एक तो बिल्कुल हेल्दी बैठा हुआ माशाल्लाह, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ, कल तक यार दोनों ठीक थे, तो आज ये इसका मैं हैरानगी हो रही है यार, एक बेबी इसका मर गया मतलब एक्सपायर हो गया, बड़ा मुझे अफसोस हुआ यार।
तुमने केयर नहीं की सही तरह से, है ना। तुम्हें एक ही बच्चे को खाना देती रही हो, दूसरे को दिया नहीं तुमने खाना। तो यार इसको अब दफना देते हैं, मगर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है यार, ये अपना ना एक बेबी एक्सपायर हो गया इसका। चलो जाओ अंदर अब, क्योंकि इनको अब तरबूज डाल देते हैं, इन्होंने तरबूज किसी के सारे खा जाने, और एक अंदर तरबूज रखा है वो भी लेके आता हूँ मैं इनके लिए। ये तरबूज है यार, ये भी डाल देते हैं इनको बतखों को ना, डक्स को हमारी। ये लो डक्स, आ जाओ आ जाओ, तरबूज खा लो आप। चलो बड़े शौक से खाती हैं तरबूज ना ये, साथ में मुर्गियाँ भी आ गई हैं। चलो चलो खा लो खा लो, शाबाश। परिंदे वगैरह तो फुल रिलैक्स हुए हुए, आज बारिश का मौसम भी बना, ठंडा ठंडा मौसम हुआ है, फुल चीखो चीख लगे हुए। तो अब दाना वाना भी इनका गीला नहीं हुआ, वरना हर वक्त इनका ना दाना गीला हो जाता है जब बारिश होती है ना, तो बाजा वगैरह इनका गीला हो जाता है। तो आज फुल रिलैक्स हुए हुए ना। आई होप आपको हमारी वीडियो आज की अच्छी लगी, नहीं होगी क्योंकि एक गुड न्यूज़ आ गई है और एक बैड न्यूज़ मिली है। तो चलें यार, जो होना था वो हो गया, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह। बाकी चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। तो यार ये वेस्ट किचन था, तो मैंने कहा चलो इनको दे देता हूँ तरबूज, तो वो खा गई है सारा का सारा। तो यार इनको और दे देते हैं, ये तरबूज में और लाया था मैंने कहा चलो, ये चावल है ये तरबूज है। चलो जी आ जाओ, ये लो खाओ खाओ, ये लो इसको सीधा कर दो, अब खाओ 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 खाओ, ये लो आप भी खा मर गया। तो यार सबके सब अब खाना वाना खाने लगे हुए, उसको भी मैंने चावल वगैरह डाल दिए यहाँ पे, डक्स वगैरह को ये डाल दिया खरबूजा, तो तरबूज तो अब ये खा रही है। चलो आ जाओ, बर्तन ही नीचे ले जाता हूँ।